सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैंने एमएक्स टकाटक के अपडेट के बारे में बताया था और आप सभी ने अपडेट कर भी लिया होगा। और जिन जिन लोगों ने अभी भी एमएक्स टकाटक अपडेट नहीं किया है, अपडेट कर लेना। मेरी रिसेंट वीडियो आप लोग देखकर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और हाँ, अगर आप लोग अपडेट कर लोगे और अपडेट जिन लोगों ने किया है भाई, वो लोग जब वीडियो डालेंगे उनको भाई एक यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट देखने को मिल रहा है। तो भाई ये आपको सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको समझोगे नहीं तो भाई आपका जो एमएक्स टकाटक अकाउंट है वो आपकी मौज आईडी में कभी भी मर्ज नहीं हो पाएगा। यानी कि जैसा आपको पता होगा कि एमएक्स टकाटक एंड मौज आपस में हो गए हैं मर्ज, तो भाई इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, वरना आपका जो एमएक्स टकाटक अकाउंट है वो आपका डिलीट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा से मौज पर आईडी बनानी पड़ेगी। तो वीडियो ध्यान से देखते रहना, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए बनाता रहता हूँ सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के बाद थोड़ा सा भी डाउट रहे तो भाई इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा। यहाँ पर आपको आईडी स्क्रीन पर शो होती रहेगी, सर्च करके फॉलो करके अगर आप लोग मैसेज करोगे तो मैं वहां पर आपका रिप्लाई देता रहता हूँ। हम यहाँ पर अपना एमएक्स टकाटक ऐप कर लेते हैं ओपन। एमएक्स टकाटक भाई मौज लिखकर आया, यहाँ पर अपडेट मेरा हो चुका है, तो आप लोग अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को करना है प्लस वाले आइकन पे क्लिक, क्योंकि प्लस वाले आइकन पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद में ही आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो आपको इसमें समझाने जा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको एमएक्स टकाटक जानकारी देना चाहता है कि भाई आप अपनी एमएक्स टकाटक आईडी मौज में मर्ज कर लो जल्दी से जल्दी। अगर आप लोग मर्ज नहीं कर पाओगे तो भाई आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी, फिर आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी, तो आपके ये सारे फॉलोअर्स बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एल्बम पे क्लिक करते हैं और एक हमको एक वीडियो ले लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको बता सकूँ। तो ये वीडियो हम लोग ले लेते हैं अपनी। इस वीडियो को लेने के बाद नेक्स्ट कर दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट करने के बाद देखो प्रोसेसिंग लगा थोड़ी देर बाद, देखो हो गया कंप्लीट, अब कर दिया नेक्स्ट। फिर से अब हमको आती है बारी पोस्ट करने की। तो यहाँ पर हम लोग पहले वीडियो को कर देते हैं पोस्ट। देखो पोस्ट जब करोगे तब भाई आपको यहाँ पर अपडेट टू अवर टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तो यही आपको मेन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ये चीज़ समझोगे नहीं तो भाई मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ कि आपका एमएक्स टकाटक अकाउंट जो है चला जाएगा, आपको फिर नई आईडी बनानी पड़ेगी, आपका मर्ज नहीं हो पाएगा। तो आपको अपना एमएक्स टकाटक अभी मर्ज कर लेना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पर लिखा है वी आर रीचिंग आउट टू लेट यू नो अबाउट अवर अपकमिंग चेंज इन योर टर्म्स एंड पॉलिसी, मतलब कि एमएक्स टकाटक आपको बताना चाहता है कि जो उसकी आने वाली अपकमिंग जो है चेंजेज हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो यहाँ पर आपको बताना चाहता है, क्योंकि अब मौज में हो चुका है मर्ज। एमएक्स टकाटक जब एमएक्स टकाटक था तो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस और प्राइवेसी पॉलिसी अलग थी, मतलब कि अलग थी और मौज की अलग थी। तो भाई इस समय हो गया है ये मर्ज, तो भाई अब इसकी पॉलिसी भी चेंज करी जाएंगी। अब ये मौज के हिसाब से पॉलिसी रखी जाएंगी, जिस हिसाब से मौज की पॉलिसी है वही इसमें करी जाएंगी। तो भाई देखो इफ यू डिक्लाइन दिस चेंज, यहाँ पर देखो अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, डिक्लाइन कर देते हो, तो भाई देखो यू विल लॉस एसेस टू योर अकाउंट आफ्टर 30 जून 2022। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, जो मौज की कम्युनिटी गाइडलाइंस है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो भाई आपका एमएक्स टकाटक अकाउंट जो है खो जाएगा, मतलब कि लॉस हो जाएगा, आपकी आईडी जो है चली जाएगी 30 जून के बाद। अगर आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे तो भाई आपका एमएक्स टकाटक अकाउंट जो है वो मौज में ऑटोमेटिकली 30 जून के बाद मर्ज हो जाएगा। और आप लोग ये जान लीजिए कि ये चीज करी क्यों गई है, मतलब कि प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन आया ही क्यों है, मतलब डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कर देना था आपको, आपकी जो है एमएक्स टकाटक आईडी मौज में मर्ज कर दिया आपसे बिना पूछे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, तो भाई दिक्कत बहुत बड़ी थी। अगर ऐसा एमएक्स कर देता तो भाई वो बहुत बड़े चक्कर में फंस जाता, भाई एमएक्स टकाटक बैन भी हो सकता था हमेशा के लिए। आप लोग ये भी समझ लीजिए कि भाई ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। तो भाई देखो जैसे हम लोग यूजर हैं एमएक्स टकाटक के, जैसे आप लोग एमएक्स टकाटक पर वीडियो बना रहे हो, तो भाई आपने एमएक्स टकाटक पर अपना नंबर भी डाला था, अपना ओटीपी दिया था एमएक्स टकाटक को, आप सब लोगों ने भाई बहुत सारे बंदों ने जीमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाया होगा, तो भाई जीमेल आईडी का पासवर्ड भी दिया होगा इन लोगों को, जैसे आपका यूट्यूब चैनल भी होगा, आपका इंस्टाग्राम भी होगा, तो भाई आपकी आईडी सब मतलब ऐसे एमएक्स टकाटक के पास था, आपने एमएक्स टकाटक पर भरोसा किया था अपनी आईडी पासवर्ड देखकर, सब कुछ अपना पेटीएम नंबर वगैरह लिंक भी किया था, तो भाई आपका भरोसा एमएक्स टकाटक पर था, तभी तो आप लोगों ने ये सब दिया था, वरना आप कोई थर्ड पार्टी आपको थोड़ी ना ऐसे दे देते हो। तो भाई अगर आप लोग सिंपल भाषा में एक ही भाषा में समझो तो मतलब पूरा आपके मोबाइल का डेटा, जितना भी आप सब कुछ अपने मोबाइल में कर रहे हो, वो सब कुछ एमएक्स टकाटक के अंडर में था। तो भाई आपके बिना पूछे अगर एमएक्स टकाटक मौज को आपकी सारी जो है डेटा दे देता आपका, जो कि यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर देखो चेंज इन एप्लीकेबल लॉज, योर डाटा विल बी नाउ बी गवर्न्ड एज पर एप्लीकेबल इंडिया लॉज, तो मतलब कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है, मतलब आपका डेटा जो है मौज के ऐप को अगर दे देता ये आपके बिना पूछे एक्सेप्ट डिक्लाइन का ऑप्शन दिए बिना ऐसे डायरेक्टली दे देता, तो भाई गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता, तो भाई ये बैन कर दिया जाता। तो भाई आप लोग अब समझे इसका मतलब, इसीलिए इन्होंने एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन दिया। तो भाई अगर आप लोग अपना नंबर, ओटीपी, जीमेल आईडी, पासवर्ड ये सब कुछ नहीं देना चाहते मौज को, तो भाई आप डिक्लाइन कर दोगे, तो भाई आपका जो एमएक्स टकाटक अकाउंट है वो 30 जून के बाद डिलीट हो जाएगा, मतलब आप मौज पर नहीं शिफ्ट हो पाओगे। तो भाई अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो भाई आपकी जो आईडी है वो मौज में मर्ज हो जाएगी, बढ़िया से चलने लगेगा, वो 30 जून के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, सब कुछ आपको इसी चैनल पर जानने को मिल जाएगा। तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेटअप के साथ, तब तक के लिए बाय।